जो आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज की वीडियो स्पेशल है उन बच्चों के लिए कि वो जो पूछना चाहते हैं NIOS बोर्ड क्या है, कौन पढ़ सकता है, इससे आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी, इससे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, NIOS और CBSE बोर्ड में क्या अंतर है, NIOS बोर्ड की वैल्यू क्या है, तो वन बाय वन हम एको करते हैं। सबसे पहले NIOS बोर्ड क्या है। देखिए, NIOS बोर्ड जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से आप भारत के किसी भी कोने में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप आराम से अपने घर बैठे स्टडी कर सकते हैं और अपना काम भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, इसके जो है कौन पढ़ सकता है, इससे दूसरा सवाल हमारे पास खड़ा होता है कि भाई अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन बच्चे इससे तालीम हासिल कर सकते हैं। देखिए, जिनकी एज 14 साल या उससे ज़्यादा है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं 10वीं की क्लास के अंदर, ठीक है, और आसानी से अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। और इसकी भी मान्यता बहुत है, इतनी जो है अदर बोर्ड्स की मान्यता है। आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी इसमें, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी इसे मान्यता दे रखी है। जैसे अदर बोर्ड्स हैं, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ऐसी एक CBSE बोर्ड है। UP बोर्ड जो है वो UP के अंदर है, बिहार बोर्ड बिहार के अंदर है, जो अलग अलग, ये नेशनल बोर्ड है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत के अंदर है। कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल मिल सकता है, जैसे दूसरे बोर्ड्स हैं उनसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो इससे भी आपको कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी भारत सरकार लिखा हुआ होता है और जो दूसरे बोर्ड होते हैं उनके रिजल्ट पे भी भारत सरकार। NIOS बोर्ड और CBSE बोर्ड, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि CBSE की वैल्यू ज़्यादा है, NIOS की वैल्यू कम है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वैल्यू कम और ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि CBSE बोर्ड पे भी लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NIOS बोर्ड पे भी लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CBSE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, और मतलब भारत की गवर्नमेंट की है ये भी और ये भी, लेकिन ये है कि CBSE बोर्ड में आप रेगुलर जाते हैं, NIOS बोर्ड में आपको सिर्फ पेपर के लिए देने आता है, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए जाते हैं। NIOS बोर्ड की वैल्यू बिल्कुल सेम है जैसा कि अदर बोर्ड्स की वैल्यू है, और ये नेशनल है, पूरे भारत में आप कहीं पे भी इसके बारे में और इसकी ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत सारी दस्तियाब हैं, आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में NIOS बोर्ड से रिगार्डिंग सिर्फ इतनी ही मैं जानकारी दे सकता हूँ आपको, और आप जो है इस चीज़ को, इससे तालीम हासिल कर सकते हैं, और ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम इससे तालीम हासिल करें। अगर हम हाफिज़ बन रहे हैं या हम किसी और काम में, तो आप इससे अच्छा बोर्ड कोई और नहीं मिलेगा आपको जिसमें आप तालीम हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको आप उनसे एडमिशन कराने हैं तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।